हो जाएगा धीरे धीरे आगे, तो वो जरूरी चीज न है। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधान। नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का मामला आप थंबनेल और क्लिप पहला देखकर ही समझ गए होंगे, लेकिन मैं पुष्टिकरण करना चाहूँगा इस मामले को लेकर। बिहार के सीएम यानी बिहार के चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, एक बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री हैं। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की असेंबली यानी बिहार के विधानसभा में ऐसा क्या कह दिया जिस पे इतना ज़्यादा बवाल मच रहा है, चारों तरफ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जिसके तहत आज जो महिला जाति है आज शर्म में डूबी हुई है। उन्होंने क्या कह दिया वो सारा क्लिप भी दिखाऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं बता दूं बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वह बिहार में सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले हैं, यानी अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री बिहार में ऐसा नहीं हुआ जो इतना लंबे समय से है, और वही एक अनुभवी हैं। पूरी उनकी एज की बात करें तो भाई आप तस्वीर देख के समझ सकते हैं एक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, जिनमें कहा नहीं जा सकता कि वो अनुभवहीन हैं, पूरे अनुभवी हैं। फिर अनुभव होते हुए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कहाँ तक उचित है। चलिए पहले वो क्लिप दिखाता हूँ जो विधानसभा में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों को लेकर बवाल भी मच रहा है, जिस विधानसभा में महिलाएं भी और पुरुष भी शामिल थे, उन लोगों के बीच में क्या ऐसी बातें कहना उचित होगा। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक क्लिप देखिए, उसके बाद विश्लेषण करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पे अपनी चुप्पी को तोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा इस पे वह भी इस वीडियो में देखेंगे। हो जाएगा धीरे धीरे आगे, तो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक। आप यह क्लिप देखें जिसमें नीतीश कुमार असेंबली में ओमेन एजुकेशन यानी महिलाओं बहु बेटियों की शिक्षा पर एक बयान अपनी बातें रख रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पढ़ लेगी तो रात में जो पुरुष है वो करता है, रोज रात को पुरुष जो करता है उसी में और बच्चे हो जाते हैं जिससे जनसंख्या और बढ़ जाती है। ओमेन एजुकेशन और जनसंख्या पर इन्होंने अपनी बातें रखी जिसमें शब्दों की मर्यादाएं पार कर दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि अगर पढ़ लेगी तो जानेगी तो कि करना है वो तो ठीक है, वो करेगा वो तो ठीक है, लेकिन अंतिम में उसको घुसाना नहीं है, बाहर निकालना, कुछ ऐसे अमर्यादित भाषा जो कि आप सुने हैं। मुझे बोलने में शर्म आ रहा है, मैं खुद भी नहीं बोल पा रहा हूँ। और देखिए क्या चीज़ें हैं इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मैं अपना विश्लेषण दूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या ऐसे शब्द बोलना चाहिए कि नहीं, क्या है मेरा राय वह जरूर जानिएगा आप। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पे क्या स्पीच दिया वह सुन लीजिए। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता
माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहने वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एमपी यानी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के दौरान ही उन्होंने इस पे अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिस पे नीतीश कुमार ने यह असेंबली में जो स्पीच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो तो आप सुन चुके हैं। उन्होंने कहा महिलाएं और बेटियां भी उसमें शामिल थे और उसमें ऐसे अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं वो सरासर शर्मसार करने वाला है। पूरी महिला जात इससे शर्मसार है और ये लोग क्या देश की सेवा करेंगे, क्या देश को आगे बढ़ाएंगे? पूरे देश का अन्य सभी विदेशों में मतलब बेइज्जती करा रहे हैं, ये हकीकत है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अमेरिकी सिंगर मैरी विलवेन वही है, जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे तो राष्ट्रीय गान उन्होंने गाया था और कई समारोहों में उन्होंने शामिल हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। इवन चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग जब हुआ था तो मैरी विलवेन ने भी ट्वीट करके बधाई दी थी। वही मैरी विलवेन जो अमेरिकी की सिंगर हैं वो कहती हैं कि बिहार, अगर मैं वहाँ होती तो बिहार जाती और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवाती। तो निश्चित रूप से अन्य देशों में इसकी आलोचनाएं हो रही है, बिल्कुल आलोचना करने योग्य बातें भी है। बेशक मैं अपने यह पुष्टिकरण रखने जा रहा हूँ क्या होना चाहिए। देखिए, सेक्स एजुकेशन और बढ़ती जनसंख्या और महिलाओं के एजुकेशन, निश्चित रूप से इस पर आप बातें रखें, कोई दिक्कत नहीं, असेंबली में भी रख सकते हैं क्योंकि ज्ञान की सारे न्याय की पालिका कह जाती हैं सारी चीज़ें। तो न्याय, ज्ञान और जितने भी बिल पास होते हैं इन सब चीज़ों को वहाँ रखना जरूरी है। आप बेशक रखिए, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक भाषा होती है, एक कहने के तरीके होते हैं, उन तरीकों से अगर आप कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वल्गर लैंग्वेज आप प्रयोग करेंगे तो ये सरासर गलत है। आप अगर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो एक उत्तम एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करे होते इससे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप ऐसे वो कहते हैं ना, जो छोटी छोटी भाषा का प्रयोग आपने किया, जिस तरीके से आपने पूरी आप क्लिप भी देखे हैं, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। ऐसे आप वे में नहीं कह सकते, इसको कहने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपने अन्य चैनलों में, उन्होंने एक रिपोर्ट देते हुए कहा कि मैं अगर मुझे बुरा लगा हो, अगर जनता इसकी आलोचनाएं कर रही है इसको बुरा लगा तो मैं बातें वापस भी लेता हूँ। लेकिन वापस लेने का क्या मतलब है, वो तो वापस आ नहीं जाएगा। प्रत्येक महिलाएँ उनका अगर उस पार्टी से वो नहीं है तो निश्चित रूप से ये चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो उन पार्टियों से संबंध रखती है, नीतीश कुमार की पार्टियों से संबंध जो रखती है, जुड़ी हुई पार्टी जैसा उनका है, वही लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जबकि डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की बहन है, सॉरी बीवी हैं, वो अखिलेश यादव की बीवी जो हैं डिंपल यादव, उन्होंने भी कहा कि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, सेक्स एजुकेशन पे कॉलेज स्कूल भी पढ़ाई करा रहा है तो इस पे निश्चित रूप से बोला जाना चाहिए। वही बिहार के तेजस्वी यादव भी, इन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, एजुकेशन महिलाओं के एजुकेशन पे बातें हो रही है, कुछ गलत नहीं है। तमाम उनके पार्टी से जुड़े लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। समर्थक करिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जो भाषा वो प्रयोग किए हैं वो भाषा गलत है, अमर्यादित भाषा है। तो आप अपनी बातें रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये है मेरा सार। अभी देखिए, हाल ही में एक मूवी आई थी OMG 2 यानी ओ माय गॉड 2
अक्षय कुमार की मूवी, जिसमें इन्हीं सब चीज़ों पे बातें हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो संबंध बनते हैं जिससे संतान उत्पत्ति होती है वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, समाज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन किस तरह आप उसको समाज में पेश कर रहे हैं, किस तरह से आप भाषाओं का चयन कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो कभी भी अगर आप ऐसा चीज़ें सामने आपके आए तो आप निश्चित रूप से इसको देखें कि भाषाएं क्या है। ऐसे चीज़ें जब एक महिलाओं की इज्जत की बात होती है, एक पूरी महिला समाज की इज्जत की बात हो और अपने संस्कारों की बात हो, तो निश्चित रूप से इसे देखना होगा आपको, और एक अच्छी लैंग्वेज, अच्छी भाषा का आप चयन करके इन चीज़ों को सामने रखिए, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमर्यादित वो भी असेंबली में, मैं बता दूं कि पूरी आज़ादी के समय से असेंबली में कोई ऐसा टिप्पणी और कोई ऐसा बयान आज तक नहीं दिया है, क्योंकि बयान रखने के और ऐसे अपने मामले, अपनी बातें रखने के अलग अलग तरीके होते हैं। यह तरीका सरासर गलत है और निंदनीय है, निश्चित रूप से निंदनीय है। प्रत्येक महिला इससे निश्चित रूप से आघात हुई है, तो ये कहीं कहीं ना ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, क्योंकि एक अनुभवी मुख्यमंत्री अगर ऐसा करेंगे तो अन्य अभी जो उभर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे। निश्चित रूप से वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, महिलाएं हमारी जो भी लोग हैं बहु बेटियां, वो निश्चित रूप से पढ़ें, आगे बढ़ें, उनके शिक्षा में और चीज़ें ज्ञान वृद्धि हो, सेक्स एजुकेशन पे भी पढ़ाई हो, और इस पे निश्चित रूप से इससे कंट्रोल होगा, जनसंख्या नियंत्रण होगी, इस चीज़ें सामने आनी चाहिए, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अच्छा वे होना चाहिए, एक अच्छा भाषा होना चाहिए, मर्यादित होने चाहिए। बाकी मेरी बातें कहाँ तक आपको सही लगी अपने कमेंट में, इस कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी जय माँ भवानी, हर हर महादेव।